अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप लोगों के बर्ड, आप लोगों के पेट जो हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मैं आज अपने बर्ड्स के लिए जो है वो सिट्टा लेने आया था, अभी सिट्टा लेके जा रहा हूँ अपने बर्ड्स को डालने। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि आप लोगों को जो है वो इस तरह के अच्छे अच्छे से व्लॉग बाद में भी मिलें और आप लोग आज वाला व्लॉग भी देख सकें। सिट्टा जो है वो इसको हम बर्ड एवरी में रख देते हैं। आप लोगों को बर्ड भी दिखाता हूँ, देखें माशाल्लाह से सारे बर्ड्स हैं वो बहुत खुश हैं। इसको कहाँ पे रखूँ, इधर एक दफ़ा रख देता हूँ, ठीक है। रात को बहुत ज़्यादा बारिश आई, यहाँ से जो धूल मिट्टी और गर्दो गुबार जो है वो बहुत ज़्यादा एवरी के अंदर थी, फिर इस वजह से मैंने सुबह सुबह इसको कर दिया वॉश। अब माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक है। आप लोगों को बर्ड भी दिखाता हूँ कि हमारे ब्रीडर भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये कुछ बर्ड्स मैंने सेपरेट किए हैं, इन पे जो है वो इन्होंने अटैक किया था, इन्होंने मारा था और मैंने इनको कर दिया अलहदा। जब बर्ड ब्रीडिंग केज में होते हैं, मतलब ये सारे बर्ड जहाँ पे हमारे वाले ब्रीडिंग केजेस में थे, इधर से हटा के इनको बड़ी वाली फ़्लाइट्स में किया है, तो फिर ये एग्रेसिव होते हैं कि मेरी जगह पे कोई दूसरा बर्ड ना बैठे। तो माशाल्लाह से हमारा जो मिट्ठू है ये भी ठीक ठाक है, इससे भी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। हेलो मिट्ठू, क्या हाल चाल है, ठीक हो? आज तो भाई बोल ही नहीं रहा। हेलो, कैसे हो, ठीक हो मिट्ठू? नहीं भाई बोला है, कैसे हो तुम? सिट्टा खाना है, मैं तुम्हारे लिए जो है वो सिट्टा ला के रखा पड़ा है, अभी तुम्हें डालना है, ठीक है। और तुम ठीक हो, दाना पानी भी तुम्हारा ठीक है? मिट्ठू हमारा आज हमसे नाराज़ है क्योंकि आज मैं सारा दिन एवरी में नहीं आया, मेहमान आए हुए थे घर, सारा दिन उधर ही गुजर गया। अभी शाम का टाइम है तो मैं बाहर आया हूँ। इस टाइम जो हमारी मुर्गियों के बच्चे भी बाहर हैं, पहले उनको जाके सिट्टा डालते हैं। ये रहा सिट्टा, ठीक है। और सबसे पहले जो है वो मुर्गियों के बच्चों को डालना होता है, ठीक है। पहले मतलब इनको ही डालता हूँ, फिर इधर से जो बच जाता है वो मैं मुर्गियों के बच्चों को डालता हूँ। ये अभी थोड़ा सा ही, ठीक है, डालते हैं ताकि वो खाते हैं यानी, और उसके बाद जो है वो फिर आप लोगों को बर्ड्स भी दिखाऊंगा। क्योंकि आज एक चीज़ सिट्टा इधर आओ, आओ ठीक है, ये देखो आ गए आ गए आ गए। माशाल्लाह से हमारी मुर्गी के बच्चे देखें कितने बड़े बड़े हो गए, और सिट्टा ये बहुत खूब खाते हैं, बहुत मज़े से खाते हैं। देखें खा रहे हो भाई, जम के खा लो। इस ये बच्चा थोड़ा सा छोटा रह गया, ये ब्लैक वाला, बाकी तो माशाल्लाह से बड़े। इसमें असील भी बने हैं, मुझे नहीं पता था कि इसमें असील के एग भी हैं। इसमें जो है वो असील के बच्चे भी बने हैं और बाकी जो है वो गोल्डन मिश्री भी हैं। इनमें कुछ बच्चे जो है वो चार पांच एक्सपायर भी हों, और एक बच्चा तो गुंजा भी बना है, मतलब वो गंजी मुर्गी का बच्चा था वो वाला, वो उसके बाल नहीं है गर्दन पे, वो भी बना है। और बाकी माशाल्लाह से सारे बच्चे ठीक है। इसके टोटल 15 चिक थे, 15 में से जो है वो 11 चिक इसके सर्वाइव कर चुके हैं। ये वाला सिट्टा तो खा गए, मैं इनके लिए थोड़ा सा और ले आता हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये इतने शौक से या इतना ज़्यादा खाएंगे, अभी तो इनको थोड़ा डाला, मैं थोड़ा सा और डाल के देखता हूँ। तुम भी देखते हैं कि ये सारा खाते हैं या नहीं, बल्कि इनको सारा ही डाल देते हैं, ठीक है। ये वाला एक पूरा ही डाल देते हैं ताकि ये खूब खाएँ, अच्छा ही है, जल्दी जल्दी बड़े हो जाएंगे। मैंने सारे बर्ड्स को डाल दिया है, इनको भी डाल दिया है। ये वाले भी माशाल्लाह से देखें खा रहे हैं, और ये वाले बर्ड्स भी देखें माशाल्लाह से खा रहे हैं। और इन बच्चों को भी मैंने सिट्टा डाल दिया, और बड़े वाले ब्रीडर्स जो हैं उनको भी सिट्टा डाल दिया। और इतने में जो हमारा रिंग नेक है वो बाहर आ गया केज से, इसका केज जो है वो खुला ही रह गया था। देखें मिट्ठू, मिट्ठू इधर आओ, इधर आओ मिट्ठू। ना भाई ना, मिट्ठू मेरे पास नहीं आता, ठीक है। आज काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है क्योंकि मैंने आज इसको सुबह से दाना भी नहीं डाला, और इसको आज सिट्टा भी नहीं डाला, और इसका जो कल वाला सिट्टा है वो मैंने सुबह निकाल के रख दिया था क्योंकि ये गीला हो गया था। इसका ट्रे जो है और इसका केज जो सारा वॉश किया था क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा धूल और मिट्टी अंदर आती है। इसका हल मैंने ये सोचा कि इसके ऊपर जो है वो बाहर वाली साइड पर मैं काने वाली जो चिक्कियाँ होती हैं वो लगा दूँगा, जिससे क्या होता है कि अगर तेज़ हवा आंधी या फिर बारिश आती है तो वो मैं ऊपर गिरा दिया करूँगा ताकि मेरे अंदर वाले जो बर्ड्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो इनका मुझे आया हुआ है कि ये वाले जो हैं आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे को ज़ख्मी करते हैं, जैसे इन बर्ड्स को ज़ख्मी किया हुआ है। अगर ये वाला काम छोड़ दें तो माशाल्लाह से मेरे सारे बर्ड्स अब अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हैं, किसी किस्म का किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आएगा भी नहीं, क्योंकि मैं सफाई का बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल रखता हूँ। आप लोग ट्रेस देख रहे होंगे, किसी भी ट्रे के अंदर कोई भी गंद वगैरह नहीं है, और मेरे बर्ड्स हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अभी मिट्ठू से दोबारा करते हैं कुछ बातें। हेलो मियाँ साहब, कैसे हो? मिट्ठू जो है वो नज़दीक भी नहीं आने देता, डर के जो है वो केज के नीचे भी चला जाता। अगर मैं इसे पकड़ने की कोशिश करूं तब भी चला जाएगा, लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव हल है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि मैं इसके साथ क्या करने वाला हूं।
अभी जो है वो इस स्टिक के ऊपर मैं इसको बैठा लूँगा, ये बड़े आराम से बैठेगा और इसको जहाँ मर्जी ले जाऊँगा या इस स्टिक से जो है वो कभी भी नहीं उठेगा। आ जाओ भाई, बड़े आराम से आ जाएगा स्टिक के ऊपर। ठीक हो गया जी, मिठू हमारा जो है वो हमारी स्टिक के ऊपर आ रहा है। देखे माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है मिठू। उड़ के जो है वो चला गया। दोबारा आओ इसके ऊपर, इधर आओ, इधर। बड़ा बदतमीज हो गया, अंदर तो ऐसे नहीं करता था। इधर इधर आओ, इसके ऊपर आओ। ये देखे माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत। ठीक है, ये मेरा मिठू है। मिठू जो है वो इसकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से इसकी जो है वो फ्लाइट कम हो गई है। क्योंकि जब मैं मैट्रिक क्लास में था, मैट्रिक में मैंने इसको लिया था, 10वीं क्लास के जब मेरे एग्ज़ाम हुए थे, तब मैंने अम्मी से कहा था कि मुझे मिठू चाहिए, तो उन्होंने मुझे लेके दिया था और उसके बाद ये मेरे पास है। फिर मैंने इसके साथ फीमेल लगा दी और अब ये ब्रीड भी करता है और बोलता भी है। ठीक है, अभी तो ये मेरे से थोड़ा थोड़ा डरने लग गया, वो इसकी वजह से, क्योंकि ये अब अपनी फ़ीमेल के साथ ज़्यादा अटैच रहता है और मेरे साथ कम रहता है। अभी जो है वो इसको केज में छोड़ देता हूँ और उसके बाद जो है वो इनको सिट्टा डालता हूँ। मिठू, मैं मिठू। चलो आ जाओ, आ जाओ, इधर इधर आओ, आ जाओ, आ जाओ। चल भाई अपने केज में चलो। लो जनाब, मिठू को हमने छोड़ दिया है। ठीक है, इसका जो पुराने वाला दाना है इसको बाहर फेंकते हैं और इसके अंदर जो है वो इसका नया सिट्टा डालते हैं ताकि ये खाए और अपने केज में रहे। अभी भी उसका केज ओपन है लेकिन अब बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि उसने बाहर घूम फिर लिया है। और ये वाली जो है वो बर्तन साफ़ नहीं है, इसको इधर ही रख देता हूँ। ठीक है, और मेरे पास इधर धुले हुए बर्तन हैं कुछ, ये रखे हुए, ये मैंने आज धुला के रखवाए थे। ठीक है, इसके अंदर ही जो है वो हम अपने मिठू को सिट्टा डालेंगे। ये रहा जी मिठू का सिट्टा। अभी चल के ये डालते हैं अपने मिठू को, अयाशी के साथ खाएगा। चलो भाई मिठू खाओ भाई। ठीक है, अभी डर रहा मुझसे। ठीक है, अभी इसका केज जो है वो क्लोज कर देते हैं और अभी जो है वो इसको रेस्ट पे छोड़ते हैं। आप लोगों को मुर्गियों को दिखाता हूँ और माशाल्लाह से वो सारा सिट्टा खा चुके हैं इस टाइम और अभी मेरी तरफ देख रहे हैं कि मैं इनको और डालूँ, वो देख। ठीक है, ये वाले जो केजीज हैं ये भी अभी एवरी के अंदर आज रख देने हैं क्योंकि मेरे साथ कोई भी बंदा नहीं था। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा वज़नी है, इसका एक पोर्शन ये है, दूसरा पोर्शन वो रहा और इनको भी हमने एवरी में शिफ्ट कर देना है। और ये माशाल्लाह से सारा सिट्टा खा चुके हैं। सर, लॉन वाला जो काम है वो बहुत ज़्यादा पेंडिंग जा रहा है। मैं डेली बेस पे उस बंदे को कह के आता हूँ, यार प्लीज़ आके कर दो, अगर नहीं करना तो मुझे बता दो, मैं इसे खुद ही कर लेता हूँ। लेकिन मुझे अब लग रहा है कि ये मुझे खुद ही करना पड़ेगा। ये तो अपना सिट्टा जो है वो मुकम्मल तौर पे खाली कर चुके हैं। लाया तो मैं बर्ड्स के लिए था लेकिन अच्छा लगा इनको जो है वो डाल दिया और ये बड़े मज़े से खा रहे हैं। ठंडा होता है, चलें बेहतर है, गर्मी से इनकी भी जो है वो बचत हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। आप लोगों ने बर्ड भी देखे और मेरे बर्ड्स किस वजह से ज़ख्मी हो रहे हैं ये भी मुझे पता चल गया। और इस तरह के मज़ीद अच्छे अच्छे से व्लॉग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि आप लोगों को जो है वो इस तरह के अच्छे अच्छे से व्लॉग मिलते रहें।